तो 15,000 में इस बाइक को आप घर ले जा सकते हो, 1,06,000 की बाइक को। और इसका कुछ इस तरह का आपको डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हो इंडियन ऑटो बाइक। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी होंडा SP125 OBD2 जो 2023 में ये न्यू अपडेट के साथ इसे लॉन्च किया गया है अप्रैल के बाद। इसमें आपको E20 का अपडेट मिल जाता है और ये जो आपको इसमें आपको कैम्बो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें भी आपको मिल जाता है। इसमें जो पीछे वाले बाइक से अपडेट जो इसमें दिए गए हैं, पीछे इसमें आपको टायर चेंजेज किए गए हैं, तो ये तो अपडेट हो गए। कुछ कुछ अपडेट इसमें दिए गए हैं, बाकी आज हम बात करते हैं फाइनली गाइस इसका एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस वेरिएंट और कलर। और इसका जो है आपको एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस में क्लियर करो, सबसे मेन चीज़ जो है इसका, इसका जो है डाउन पेमेंट और फाइनेंस डिटेल, जिसमें आपको लो डाउन पेमेंट लो EMI में कवर कर दूंगा। इस वीडियो में आपको मेन रूप से लो डाउन पेमेंट लो EMI इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, अगर जो आपको अपने सिटी का प्राइस जानना हो इस बाइक का, तो आपको कलर लिखना होगा और अपने सिटी का नेम लिखना होगा कमेंट करके, तो मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको वहाँ का मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होंडा FT जो है 125, इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात कर लें, जो कि इसका ये आपको डिस्क वेरिएंट में है, तो इसका जो कीमत है आपको 89,843 रुपये इसका जो है डिस्क वाले वेरिएंट का एक्स शोरूम कीमत है। ऑन रोड प्राइस की हम बात कर लें तो ये आपको 1,06,795 की है, ऑन रोड प्राइस इसका 1,06,795 की। ये आपका क्लियर हो गया। ये आपको दो वेरिएंट में आएंगे, एक है ड्रम दूसरा है डिस्क, दो वेरिएंट में आते हैं। ये प्राइस मैंने आपको डिस्क वाला बताया, ड्रम वाला नहीं, ड्रम का वीडियो अलग से आएगा। बात कर लेते हैं कलर की, तो ये आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे। एक आता है फुल्ली ब्लैक, ये जो आपको है मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक कलर में आपको यहाँ पर मौजूद है, जो कि आप देख सकते हो पूरे मैट कलर में यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें आपको प्राइस वेरिएंट और कलर मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं गाइस फर्स्ट डाउन पेमेंट की, इसमें गाइस इसमें आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा इस बाइक को लेने के लिए SP125 को, जो कि आप सबसे कम DP जो फर्स्ट DP है मेरा, फर्स्ट डाउन पेमेंट की बात कर लें तो इसमें आपको 15,000 का डाउन पेमेंट रहेगा लेने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट डाउन पेमेंट इसमें आपको 15,000 का रहेगा, जिसमें आपको EMI बनेगा 24 मंथ का 4560 का EMI बनेगा, और 36 मंथ का EMI जो आपका 3290 का बनेगा, और 48 मंथ का EMI आपको 2660 का बनेगा। तो ये तीनों मैंने क्लियर कर दिया, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ। 48 मंथ का आपका 2660 का बनेगा, जो कि आप देख सकते हो 15,000 में इस बाइक को आप घर ले जा सकते हो, 1,06,000 की बाइक को फाइनेंस करवा के आप इसे 15,000 में अपने घर ले जा सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट डाउन पेमेंट था। और सेकंड डाउन पेमेंट की हम बात करें, जो मैंने पर्सनल बनाया है, तो इसमें आपको जो है इस गाड़ी को लेने के लिए आपको 50,000 डाउन पेमेंट करना है, तो वो आप अपने मुताबिक भी कर सकते हो। 50,000 नहीं करना है तो आप 40,000 भी कर सकते हो, अगर जो आपको ज़्यादा करना है तो 60,000 भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 50,000 का बनाया है, 50,000 का डाउन पेमेंट बनाया है। तो ये मेरा सेकंड डाउन पेमेंट है जो कि पर्सनल है, और इसमें आपको 24 मंथ का EMI आपको 2810 रहने वाला है, 36 मंथ का गाइस आपको EMI पड़ने वाला है जो कि 2029 का है, और 48 मंथ का EMI आपको 1629 का है। तो आपका क्लियर हो गया होगा, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट डाउन पेमेंट इसमें आपको जो है 15,000 का है, और लो EMI जो इसमें आपको बन रहा है 1629 का। सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 1,06,000 की बाइक मैं 15,000 में घर ले जा सकता हूँ, इसमें कोई डाउट्स नहीं। बाकी ये आपको जो कंडीशन रहेंगे उसमें आपको कुछ कंडीशन रहते हैं, कुछ कुछ जो आपको वो क्राइटेरिया पूरा करना होगा, तभी आप 15,000 या 10,000 में जितने में भी आप बाइक ले जा सकते हो। तो बात कर लेते हैं अब कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा है कि नहीं, तो अभी तो होंडा की तरफ से कुछ ऑफ़र नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे तरफ से ऑफ़र चल रहा है। अगर जो आप मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के पेज के माध्यम से आते हो, तो आकाश भैया के तरफ से उन्होंने बोला है कि अगर जो आपके तरफ से आएंगे कस्टमर, तो उन्हें 1,000 से 1,500 तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो मेरे तरफ से आपको 1,000 से 1,500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, काफ़ी बढ़िया, और कितना सुंदर डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो कि आप सोच सकते हो। तो ये कुछ ऑफ़र चल रहा है। बात कर लेते हैं हम फाइनेंसर की, तो यहाँ आपको फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस करने वाली बहुत सारी कंपनियाँ, L&T है, टाटा कैपिटल है, HDFC है,
और IDFC है, बहुत से बैंक हैं जिससे आप फाइनेंस करवा सकते हो। बात करते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट रेट कम लगे, जिससे आपको बढ़िया लगे, उससे आप गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हो। बाकी वो लोग भी देखते हैं कि किन पे, मतलब कहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम बैठेगा, उसके अनुसार आपको भी वो प्रोवाइड कर देंगे। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, बाइक को लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गाइस, होंडा SP 125 को लेने के लिए आपको जो है, इसके लिए आपको बैंक पासबुक और या आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटो और ATM कार्ड, ये सब आपको लगेंगे, और ये सब के आपको जीरोक्स कॉपी भी आपको यहाँ पर लगेंगे। तो ये सब आपको क्लियर करते हैं, मैंने लो डाउन पेमेंट, लो EMI, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफर, फाइनेंसर, ये सब मैंने क्लियर कर दिया। बात कर लेते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बाइक पर कितना बैठने वाला है। तो गाइज, इसमें आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.99% से लेकर 10.99% तक इसमें बैठेगा, वो आपका सिविल स्कोर पर बैठेगा, जो कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। अगर जो सिविल स्कोर 750 के ऊपर है, बढ़िया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जाएगा, अगर जो कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ROI भी मैंने क्लियर कर दिया। बात करते हैं आप एड्रेस की, तो एड्रेस आपका ये JKM लीला होंडा विजयनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है शोरूम। बाकी यहाँ से आप बुकिंग भी करा सकते हो बाइक, मैं कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दूंगा, और यहाँ पर आके ये बाइक आप परचेज कर सकते हो। मिनिमम डाउन पेमेंट 15,000 रहेगा, लो EMI भी आपका 1629 का बनेगा। ये चीज़ आपको मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्लियर कर दिया। बात कर लेते हैं अब इस बाइक में आपको क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस बाइक की इंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको जो है 124 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 इंजन, इसमें आपको BS6 फेज 2 वाला इसमें आपको होंडा की तरफ से कंपनी दे रही है। बाकी इसकी मैक्सिमम पावर की हम बात कर लें तो इसमें आपको जो है 10.72 BHP ब्रेक हॉर्स पावर का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है बाइक, और मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लें तो ये बाइक आपको 10.9 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ट्रांसमिशन की हम बात कर लें तो ये आपको 5 स्पीड मैनुअल देखने को मिलेगा। गियर शिफ्टिंग पैटर्न की हम बात कर लें तो इसमें आपको जो है 1 डाउन 4 अप देखने को मिलेगा, 1 डाउन 4 अप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। इसमें आपको जो है 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें मिल जाएगा, जो कि रिजर्व इसमें आपको 1.7 लीटर का इसमें आपको रिजर्व लगेगा, रिजर्व फ्यूल इसमें लगेगा। वहीं इसमें आपको माइलेज की बात कर लें इसकी, तो इस बाइक का आपको माइलेज जो है 65 km पर लीटर इसका माइलेज है। टॉप स्पीड की बात कर लें इस बाइक की, तो 100 km पर आवर इसका टॉप स्पीड है। इस बाइक होंडा SP 125 की टॉप स्पीड 100 km पर आवर इसका टॉप स्पीड है। इसमें आपको जो मेन चीज़ मिल जाते हैं, OBD2 सेंसर मिल जाते हैं। इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको जो कि ब्लूटूथ, GPS, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सब नहीं मिलते हैं, लेकिन सारे चीज़ इसमें आपको डिजिटल मिलेंगे। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर एनालॉग में, और जो है फ्यूल गेज आपका हो गया, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, टाइम, ट्रिप, ये सब वगैरह आपको जो डिजिटल मिलेंगे, मैं दिखा दूंगा। इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया, और इसका कुछ इस तरह का आपको डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको मैंने सारे चीज़ बता दिए हैं, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, इसमें आपको सारे चीज़ आपको इसमें आपको मिल जाते हैं। न्यूट्रल का इंडिकेटर आपको मिल जाता है, ये कुछ डिजिटल इंडिकेटर होगा जो कि आपको डिजिटल मिल जाते हैं। और आते हैं इसके हेडलाइट दिखा देते हैं, तो ये कुछ इसका हेडलाइट हो गया जो कि LED में आता है, और ये आपको दोनों LED नहीं मिलेंगे, दोनों इंडिकेटर आपका जो इसमें आपको जो हेलोजन बनेगा। अब इसका भी आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं, ये कुछ इसका ब्रेक के लाइट हो गया जो कि आप देख सकते हो। मैंने सारा चीज़ आपको दिखा दिया, आपको क्लियर हो गया सारा डाउट। बाकी बात कर लेते हैं इसके हम टायर की, तो पीछे वाले जो टायर है इसमें आपको जो है 100/80 का रियर टायर जो है 100/80 का 18 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर इसमें आपको कंपनी MRF कंपनी का इसमें आपको टायर दिया जा रहा है। वहीं फ्रंट टायर की हम बात कर लें तो इसमें आपको जो है 80/100 का 18 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर MRF कंपनी का दे रही है। तो ये आपको डाउट्स क्लियर हो गए, सारे चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। बाकी इसके आप देख सकते हो, इसके हेडलाइट की हम बात करेंगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा। ये हेडलाइट आपको LED में ही मिलेंगे, दोनों हाइजिन दोनों LED मिलते हैं। बाकी ब्रेक टेल लाइट आपको जो है हाइलोजन बल्ब मिलेंगे, इंडिकेटर आपको हाइलोजन बल्ब मिलेगा। तो सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, लो डाउन पेमेंट, लो EMI बाइक के बारे में भी मैंने क्लियर कर दिया, इसमें आपको क्या कंपनी ऑफर कर रही है, इसके पावर परफॉर्मेंस सारा क्लियर हो गया। तो
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा लो ईएमआई लो डाउन पेमेंट जो मैंने कवर किया डिटेल रिव्यू मैंने बताया आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई को सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।